मैं हूं आपका दोस्त सुनील वर्मा, और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं चैप्टर नंबर 5 यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के जितने भी फॉर्मूलेज थे उनकी एक सीरीज़ है ना। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कुछ फॉर्मूले जिनका चैप्टर नंबर 5 में बहुत ज़्यादा यूज़ है। इनफैक्ट कह लीजिए पूरी मैथमेटिक्स में ही बहुत ज़्यादा यूज़ है। ओके, तो देखिए चैप्टर नंबर 5 यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज। और हाँ स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ इनको नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आगे फर्दर। तो देखिए स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन यानी कि क्लास 11th में आपने कुछ ये बेसिक फार्मूलाज पढ़ रखे थे, राइट, ये कुछ बेसिक फार्मूलाज आपने पढ़ रखे थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सभी फार्मूले आपने पढ़ रखे थे। ओके, तो उसके बाद प्रॉब्लम ये है, क्लास 12th में आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज नहीं पढ़े हैं, राइट ना। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो फार्मूले हैं फार्मूला नंबर 13 से आप देख रहे होंगे, 13 नंबर या 14 नंबर कह लीजिए, यहाँ से आपने ये फार्मूले नहीं पढ़े है ना, फार्मूला नंबर 13 या 14, ये देखिए। ओके, जैसे कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या है, -1/√(1 − x²), टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला 1/√(x²), सेक इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो 1/√(x²−1)(x), ये फार्मूले है ना। तो इन सभी फार्मूले को आपको याद रखना है। ओके, इन स्क्रीन शॉट लेकर के आप नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़, ये आपसे रिक्वेस्ट है, आप इनको लर्न कर लीजिए। ओके, फंडामेंटल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ये तो बहुत बेसिक है, आपने क्लास 11th में भी पढ़ रखा होगा है ना। जैसे एक कोई कांस्टेंट फंक्शन है उसके साथ एफ एक्स लिखा हुआ है ना, और जब हम उनका डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं, उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो सी को बाहर रख लेते हैं और क्या करते हैं, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन सॉल्व कर लेते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से उसके बाद दो फंक्शन, अगर टू फंक्शंस आर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, देन हम क्या करते हैं, dy/dx को बोथ फंक्शंस पे 1/1 डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करके आपको दिखाया गया है, इस तरह आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। यहाँ नेक्स्ट में देखिए प्रोडक्ट रूल यहाँ गिवन है आपको, देखिए थर्ड में आपको प्रोडक्ट रूल दिखाया गया है ये, राइट। तो प्रोडक्ट रूल क्या, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये आपने पढ़ रखा है। ओके, तो नेक्स्ट वन जनरलाइज फार्मूला दिया हुआ है, अगर कई सारे फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में दिए हैं तो हम क्या करेंगे, उसमें चेन रूल या 1/1 जैसे आप फाइंड करते हैं प्रोडक्ट रूल, उसी तरह हम इसमें भी सॉल्व करके फाइंड कर लेंगे, ये आपको बताया गया है, मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन भी किया है टॉपिक, राइट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये डिवीजन रूल लिखा हुआ है, इसको क्वेश्चन रूल भी हम कह लेते हैं, ये डिवीजन रूल मेंशन किया गया है यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से आप इसको, क्या था डिवीजन रूल, फर्स्ट फंक्शन या डिनोमिनेटर एज इट इज d/dx ऑफ फर्स्ट माइनस न्यूमरेटर एज इट इज d/dx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन कुछ डिफरेंशिएशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, राइट, इस सब्स्टिट्यूशन का बहुत ज़्यादा यूज़ है। ओके, आपके मैथमेटिक्स में इन सब्स्टिट्यूशंस का बहुत यूज़ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, ये टेबल बहुत ज़्यादा यूजफुल है आपके लिए क्लास 12th के मैथमेटिक्स में। ऑलराइट, √(x²) या √(a²−x²) अगर कहीं लिखा हुआ है तो आप x की प्लेस पर सब्सटीट्यूशन क्या पुट करेंगे, x = a sin θ और x = a cos θ। ऑलराइट, जब भी यहीं प्लस में लिखा हो √(a²+x²) तो आप सब्सटीट्यूशन रखते हैं x = a tan θ और x = a cot θ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ऑलराइट, इस तरह से जब भी क्वेश्चन मिले √(a+x) एंड √(a−x) तो आप एक्स की प्लेस पे जनरली a cos2θ पुट करेंगे तो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। ओके, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। देन देखिए डिफरेंशियल कोफिशियंट यूजिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, यस, एक्सरसाइज 5.3 में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। ओके,
टू साइन इनवर्स एक्स, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर टू, उसमें आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ऑलराइट, तो आप यहाँ अभी फ़िलहाल इनको नोट कर लीजिए या इनका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं बार बार ये कह रहा हूँ। ओके, ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज यहाँ दिए हुए हैं, आप इनको देख लीजिए। जैसे टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स इन ब्रैकेट टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी प्लेस पे हम टू साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। सिमिलरली टू टेन इनवर्स एक्स की बात करें तो इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। ओके, ऐसे ही हम बात करें तो ये थ्री साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ गिवन है आपको। ओके, इस तरह से सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स का भी फॉर्मूला हमें गिवन है, टेन 3x या 3 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला भी आपको यह गिवन है। मैंने यहाँ सभी फॉर्मूलाज एक साथ मेंशन किए हुए हैं। ओके, समटाइम्स इस आइडेंटिटीज़ का भी यूज़ होना है। ओके, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। और हाँ, इसको याद अच्छे से कर लीजिए, आप लर्न कर लीजिए, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं आपके लिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए अपने पास। ओके, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। ओके जी, आई थिंक आपको सब समझ आ गया होगा, और इन सभी फॉर्मूलाज को नोट करते चाहिए। अब हम एक्सरसाइज पर जब आएंगे, आप अच्छे से इसको करेंगे तो फॉर्मूले लर्न होने चाहिए।